गाइस अब सीन ये है कि दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है। टीमें तो आ चुकी हैं कराची किंग्स की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो मैं तो हूँ कराची किंग्स के साथ क्योंकि हम हैं कराची वाले। और अब मेरे दोस्त अभी आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई वो किसके साथ है, वो भी मेरे ख्याल है कराची किंग्स के साथ होंगे। तो देखो अब पहला मैच तो ख़त्म हुआ, उसमें मुल्तान जीत चुका है, अब इंशाल्लाह सेकंड मैच में कराची किंग्स जीतेगा। अब देखो क्या होता है, देखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई अभी टीम्स आ चुकी हैं और प्रैक्टिस चल रही है इनकी, दिखाता हूँ। देखें ये टीम्स आ चुकी हैं कराची किंग्स की भी और क्वेटा की भी, तो प्रैक्टिस चल रही है अभी। अभी एक घंटे का टाइम है हमारा, वो दिया हुआ है, एक घंटे बाद फिर मैच स्टार्ट होगा। ब्रेक दिया हुआ है अभी, इनकी प्रैक्टिस चल रही है, ये लोग कर रहे हैं, एक घंटे बाद मैच स्टार्ट होगा। बड़ा मज़ा आने वाला है ये मैच। सेकेंड फर्स्ट मैच तो ऐसे ही था, मतलब नॉर्मल लगा, रिजवान जब आया तब मज़ा आ गया था। तो अब कराची किंग्स का है, अब देखो क्या होता है, कराची किंग्स इंशाल्लाह जीतेंगे। हेलो सो व्हाट इज अप गाइस, मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, पहले भी आ चुका हूँ मैं व्लॉग में हमारे समीर भाई के, समीर जमानी के। तो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि कराची की बैटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्वेटा और कराची का मैच है, क्वेटा टॉस जीत चुका है और उन्होंने जो है फील्डिंग इलेक्ट की है। तो अभी हम पूछते हैं कि भाई हमारे समीर भाई किसके साथ हैं। मैं तो कराची के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुफियान भाई, सुफियान किसके साथ है भाई? कराची कराची। आप तो क्वेटा के नहीं हो? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ओ सही है। तो भाई जाहिर सी बात है कराची के, तो कराची के साथ ही होंगे यार। बल्ले पहला मैच कराची हार चुका है, टेंशन नहीं है, बाकी अभी एक ही मैच हुआ है, टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह भी जीतेगा। अगर जीते हारे हम कराची के साथ हैं। बाकी हमारे जो शम्मू भाई हैं ये थक चुके हैं, आप देख सकते हैं कैसे ये लेटे हैं। असल में सीन ये है ना कि सुफियान है ना सुबह से लेके आ चुका है, अब बंदे की फट चुकी है, अब इसलिए बैठना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो भाई अभी काशान भाई से पूछते हैं कि इन्होंने कराची किंग्स क्यों चूज़ की है, किस क्या वजह है जिस वजह से चूज़ की है कराची किंग्स। बस कराची किंग मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि कराची में जो है वो बाबर है, और उसके अलावा कोई भी वजह नहीं है। वैसे तो मैंने भी बाबर और वजह से ही मैंने ज़्यादातर चूज़ की है, और खैर देखते हैं क्या होता है, मैच स्टार्ट तो फिर देखते हैं। सुफियान सुफियान कराची किंग्स क्यों चूज़ की भाई? भाई क्योंकि सबसे पहले उसके प्लेयर जो हैं वो अच्छे हैं, बाबर आजम है एक, नहीं पिछली बार तो वो हाल गई, हाँ तो कुछ था फील्डिंग का भी मसला था, कुछ बॉलिंग का भी मसला था, कुछ बैट्समैन के भी मसले थे, लेकिन आई होप इस टाइम ये काम जो पहले गया था वो नहीं हो, तो कंफर्म है कि कराची जीतेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई मेरा भी यही है कि जो मिस्टेक्स हुई है अब वो अगर नहीं कर रहे तो फिर वो जीत जाएगी क्योंकि टीम बड़ी अच्छी है। फिर सीन ये है कि कराची ने तो बहुत ही कोई गंदा खेला है, 114 का टारगेट दिया है, जो तो चेस करना बहुत आसान है। अभी क्वेटा की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है और
मुझे तो लगता है वो फौरन कर लेगा क्योंकि बहुत आसान टारगेट किया है उन्होंने, कोई चीज़ ही नहीं। बल्ले कराची की बॉलिंग जितनी भी अच्छी हो जाए तब भी वो लोग चेस कर लेंगे। तो दिखाते हैं आपको यहाँ के मनाजिर, यहाँ का व्यू दिखाते हैं भाई क्या सीन हो रहा है यहाँ का, तो देखते जाएँ। घर जाके आपको यहाँ के कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मुझे बहुत ही कोई बेकार सी लगी, मज़ा ही नहीं आया मतलब समझा, तो वो चीज़ें मैं आपको घर जाके बताऊंगा कि क्या चीज़ें थी जो मुझे नहीं अच्छी लगी और क्या चीज़ें थी जो अच्छी लगी मुझे। बहुत बुरे हैं, 30 बॉलों पे 14 रन चाहिए क्वेटा को, जो मतलब बहुत ही आसान है, मतलब मैं तो कहता हूँ जीत ही गया पूरा यार। अब तो सब देखो उससे भी चल चले गए, सबने कहा है कि भाई हम टाइम कहाँ वेस्ट करें, छोड़ो अब सब उठ के जा ही रहे, देखो पूरा खाने हो गया। अरे नहीं हुआ यार, कराची को हमने इतना सपोर्ट किया लेकिन कराची ने हमारा दिल तोड़ दिया, आपको भूख आ गया यही हो सकता है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस अभी सीन ये है कि मैच खत्म हो चुका है और क्वेटा जीत चुकी है, सीन ये और बस अब घर चलते हैं क्योंकि कराची ने तो यार दिल तोड़ दिया हमारा, तो फिर अब घर चलते हैं और फिर घर जाके आपको बता दें कि भाई क्या कैसा हमारा दिन रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ।